और खास तौर से हमारे साथ आलोक सिंह जी हैं, अभय श्रीवास्तव, मैं विवेक द्विवेदी, पूजा मिश्रा जी एकदम टॉप पे बैठी हुई हैं, मलकीत सिंह जी नीचे हैं, अरविंद सिखरवार जी नीचे हैं। हम लोगों ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का घेराव किया उनके घर पे। करीब 250 से अधिक संख्या में लोग गए और आधे से ज़्यादा संख्या हमने यहाँ रखी थी, क्योंकि यहाँ भी सुरक्षा की दृष्टि से हमने रख दिया था आधे से ज़्यादा लोगों को। तो हमने घेराव क्यों किया, क्योंकि सतीश द्विवेदी जी का बयान था कि ये सपा के कार्यकर्ता हैं। तो आज हम लोगों नारा लगवा दिया, हम सपाई नहीं भाजपाई हैं, योगी जी न्याय करो, इनको पता चलना चाहिए, और हम गुंडे नहीं योग्य अभ्यर्थी हैं। इस तरह का हमने नारे लगवाए ताकि हमारी बातें मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचे और सरकार संज्ञान ले, इस बातों पर विचार करे कि हाँ हमने योग्य अभ्यर्थी के साथ अन्याय किया है। अब सरकार तभी न्याय करेगी जब 1,37,000 के बचे समस्त पदों को भरेगी और योग बचे हुए पदों को और योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेगी। कहने का मतलब 22,000, 26,000, 27,000, 28,000 जितनी भी सीटें हैं 1,37,000 बची, उन सभी को 69,000 में जोड़ा जाए। अगर 72,825 की सीटें 68,500 में जोड़ी जा सकती है तो 68,500 की बची सीटें किस में जोड़ी जाएगी, 69,000 में। सतीश द्विवेदी जी कहते हैं कि 68,500 की बची सीटें 69,000 में नहीं जोड़ी जा सकती, असंवैधानिक है। आपने स्वयं 72,825 की सीटें 68,500 में जोड़ी, 6,600 सीटें, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि 1,37,000 को दो क्रमागत पार्टियों में ही भरना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर पहली वैकेंसी की सीटें 68,500 में बच जाती हैं तो आप दूसरी वैकेंसी 69,000 में वो उन वैकेंसियों को, बची हुई सीटों को जोड़ सकते हैं। और हम 75 जिले के सभी भाई बहन से निवेदन करते हैं फिर से कि सभी लोग आए अपने भविष्य के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने आने वाले कल के लिए, अपने आने वाली कल खुशियों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आइए, अन्यथा लेट हो जाएंगे तो नौकरी हाथ से निकल जाएगी। अभी जाग जाइए, जो जागेगा वो पाएगा और जो सोएगा वो खोएगा। जिसको नौकरी चाहिए वो तो आएगा ही। आगे की बात हमारी, पूजा मैम बोलो। मित्रों, में अभय श्रीवास्तव। देखिए, आज कल शिक्षा मंत्री का बयान आया, जैसे हमारे विवेक द्विवेदी ने कहा है, कल शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि हम सपा के कार्यकर्ता हैं, हम सपा द्वारा बैठाए गए हैं और हम गुंडे हैं। तो इसका आज हम लोगों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दे दिया। अब वो सोचेंगे भी हम लोगों को गुंडा कहने से, और ये भी कहवा दिया कि मंत्री जी हम गुंडे नहीं, हम योग्य हैं। शायद आपको हमारी योग्यता की पहचान नहीं, लेकिन अब आप पहचानेंगे और अब हमारा सम्मान करेंगे। वो दोबारा कभी भी संसद में क्या, वो मीडिया में भी बोलने लायक नहीं, उनको छोड़ेंगे हम लोग। वो सीटें पूरी 23,000 जो भी 22,000 जो भी 26,000 जितने भी सीटें बची हैं सबको जोड़ेंगे, बसलते यही है कहीं ना कहीं आपकी कमी है। लगभग 26,000 सीटें हैं, लेकिन कमी बस थोड़ी सी यही है। वो बयान देता है कि हम नहीं जोड़ेंगे, मतलब इसका समझिए कि वो बयान देता हम नहीं जोड़ेंगे। उसका कहने का मतलब है कि हमारे पास सीटें हैं लेकिन हम कहें जोड़ दें, 1,000-2,000 की संख्या तो है नहीं आपकी। वो सीधे यही कहता है कि या वो बयान देता है या तो हम टूट जाएं या तो एकजुट हो जाएं, और आप खाली टूटते हुए एकजुट हो नहीं पाते हो, क्योंकि हमको लगता है आप में दम है नहीं। जो जिसमें दम है, जिसमें हिम्मत है, वो अपनी सीट के लिए यहाँ पे लड़ रहा है और यहाँ बैठा हुआ है। तो बस इतना ही कहेंगे कि आप लोग घरों से निकलिए, ठीक है। योगी जी हम योग्य हैं, आशीष कुमार पांडे भैया, जब यहाँ पे आओगे तब योग्यता दिखेगी। ऐसे लिखने से थोड़ी ना योगी जी मान लेंगे हम योग्य हैं। अभी योगी जी आपसे पूछे हम योग्य हैं, योगी जी आपसे पूछने जाएंगे घर पे कि आप योग्य हैं कि अयोग्य हैं। यहाँ पे आइए, अपने सुपरटेट की मार्कशीट को दिखाइए, जिला वॉन्टर फॉर्म को दिखाइए कि देखिए योगी जी हम योग्य हैं, मंत्री जी हम योग्य हैं, ठीक है। अगर भीड़ जुट जाती यहाँ पे 2,000, 3,000, 4,000 की, तो जो शिक्षा मंत्री हम लोगों को विधानसभा में गुंडा कहा है उसके मुंह पर वो सुपर टेट का मार्कशीट ऐसे चिपका देता। लेकिन आप लोग घर पे बैठे हैं, इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जितना भी हम लोग कर रहे हैं दमखम से कर रहे हैं। आप लोग आ जाइए, 2,000, 4,000, 5,000, कम से कम 5,000 की संख्या दे दीजिए, कम से कम एक दो दिन की बात है, एक दो दिन में आ जाइए, ठीक है। 5,000 की संख्या लेकर आइए। अब तो आपका पीजीटी सब कुछ हो गया। अब अगर पेट के चक्कर में बैठे हो तो जीवन भर पेपर के चक्कर में बैठे रहोगे, कुछ नहीं होगा, कल्याण तुम्हारा जय जय श्री राम हो जाएगा, इतना जान लेना भाई।
सीधे बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ, किसी लाइव बोलता हूँ। और कहे तो क्या कहे, निकलिए घरों से, मेरे लिए मत निकलिए। हम पांच लोग, थोड़ा सा हम पांच छह लोग सुनिए, हम पांच छह लोग इस टंकी पर चढ़ चुके हैं, तो हम पांच छह लोग यहाँ की नियुक्ति लेकर जाएंगे, ठीक है? और जब तक देंगे नहीं, तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। शायद पांच छह लोग रुकेंगे बीच का रास्ता, तो योगी जी सोचेंगे भाई पांच छह लोग परेशान हैं, उन्हीं को दे दे, बीच का रास्ता भी है। लेकिन अगर आप आएंगे अपनी सीट के लिए आएंगे, मेरे लिए नहीं आएंगे। हम तो अपने लिए लड़ ही रहे हैं, और वो भी 21 जून से बैठे हुए लड़ रहे हैं। अपने लिए आइए, मेरे लिए मत आइए। सोचिए आपकी नौकरी यहाँ पे रखी है, उसको लेने जाना है, ठीक है? अभी नियुक्ति मिलेगी गोवा में, तो पहुँचोगे गोवा में, तो चाहे बीमार रहो, चाहे घर में कोई कुछ हो जाए, कहीं गर्लफ्रेंड भाग जाए, बीवी भाग, लेकिन पहुँचोगे जरूर। और नौकरी के यहाँ पे आने के लिए आ नहीं पा रहे हो। आगे हमारी पूजा मैम बोलेंगी, कुछ बोलो। मैं यही कहना चाहती हूँ, जब मंत्री जी 72,825 की सीट 68,500 में जोड़ सकते हैं, उसमें बीएड था, इसमें डीएलएड था जो बता रहे हैं वो, तो डीएलएड भी 68,500 की डीएलएड की सीट 69,000 में क्यों नहीं जोड़ सकते हैं वो? और असंवैधानिक मांग बता रहे हैं हमारी, 3 नंबर कौन से संवैधानिक नियम से उन्होंने बात दी है? इन सबके जवाब आए, मुख्यमंत्री आए, सतीश द्विवेदी जी डिबेट में आए, इन सबके जवाब दे, तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे। हटेंगे नहीं, जब तक जीव नहीं जा रही होगा तब तक हटेंगे नहीं है। अभी आप लोग जो भी घर से नहीं निकले हैं, वो तुरंत जो है SCRT के लिए निकल जाएं। खुद देखिए, हमारी टीम की मेंबर है, अच्छा इतने ऊंचे ऊंचाई पे चढ़ी हुई है, इसीलिए मैं इसको पूरे ग्रुप में शेरनी कहता हूँ। 200 फीट की ऊंचाई का हम लोग, और वाकई में शेरनी है जो दहाड़ के लड़ती है। आप लोग यार घर में बैठ के बुजदिली से पता नहीं क्या करते हो। घर में निकलो, घर से निकलो, सीट जुड़ जाएगी। नहीं निकलोगे तो हम तो बीच का रास्ता ले ही लेंगे भाई। जब हम चढ़ चुके हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। ज्यादा ज्यादा होगा हम अपनी नौकरी लेके जाएंगे। भैया तुम्हारा भी छोड़ो हटाओ, तुम हमारे लिए नहीं आओगे तो हम तुम्हारे लिए कायम मरे। हम अपनी नौकरी के लिए फिर प्रयास कर देंगे। अभी तो 22,000 के लिए प्रयास कर रहे हैं। जब आप लोग नहीं आओगे, कि जितने लोग हैं हमारे इस महाधरने में, 10 तारीख से चल रहा है, यहाँ पानी की टंकी बैठे हैं जो हमारे साथ है, सहयोग दे रहे हैं, हम उन्हीं को लेके आगे चले जाएंगे। फिर आप भी जाए श्री राम झंझनी बजाना हरिद्वार जाके, हम तो अपना ले जाएंगे प्राथमिक विद्यालय में। हम तो जाएंगे, हम अपनी नौकरी लेकर ही रहेंगे। आप आवे चाहे ना आवे, ठीक, आप आएंगे अपने लिए आएंगे, मेरे लिए नहीं आएंगे। आप अपनी नारा भी बदल गया है, और आज नारा भी बदल गया है बाबा जी, कि बाबा जी हम, बाबा जी आपसे बैर नहीं, शिक्षा मंत्री आपकी खैर नहीं। हम गुंडे नहीं, हम योग्य हैं। साथियों आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग आ जाइए, अभी समय है, अन्यथा बहुत रोएंगे। सही बता रहे, सरकार की तरफ से मेरे पास फोन आ चुका है। उन्होंने सीधा शब्दों हमसे कहा था कि बीच का रास्ता मतलब समझ रहे ना, जितने अभ्यर्थी जुड़े जितने प्रत्यावेदन आए उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोगों ने फैसला ले लिया, तो फिर रोइएगा मत। कोई भाई बहन रोएगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। 3,500 जितने अभ्यर्थी, 5,000-6,000 उन्हीं के बारे में बोल दूंगा, विचार किया जाएगा, और उसके बाद आप कोर्ट केस खेलिएगा। अब कोर्ट में ही डिसमिस होगा, कह के कि सरकार नियोक्ता, सरकार को नौकरी देने का अधिकार है, कोर्ट को नौकरी देने का अधिकार नहीं होता है। उस नौकरी के मामले में कोई कमियां होती हैं, एग्जाम कुछ कमियां पाई जाए, तब उसको आप कोर्ट केस कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ नौकरी देगी, कोर्ट नौकरी नहीं दे सकती है। लेकिन उस नौकरी के दौरान कुछ लफड़ा होता है, तब इसमें कोई लफड़ा नहीं। प्रत्यावेदन और याची लाभ हमेशा मिलता है, ये आप लोग जान लीजिए। हाँ, और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी समय है, घरों से निकल जाइए। और दो दिन आज भी समय है, आज रात की ट्रेन पकड़ के सुबह हर हालत में पहुँच जाइए। 22,000 अभ्यर्थी पहुंच जाए, मैं कह रहा हूं सीधा, तो 4,000 नहीं, 22,000 अभ्यर्थी। जर्नल मैं बता रहा हूं, फिर से एक बार सुन लीजिए, जर्नल में शायद कोई नहीं बचेगा, SC भी कोई नहीं बचेगा, 3 से 4 गुणांक OBC आएगा। हम साफ सुथरे शब्दों में बोल रही है, कम से कम 4 गुणांक, 4 गुणांक OBC का गिर सकता है आराम से, हो सकता है। सीटें हैं, आलोक सिंह जी सही बात बोले, सीटें 26,000 से अधिक सीटें हैं। तो मान के चलिए कि अगर UR को 13 मिलती है, उसमें से 2-3 हज़ार लैप ओवरलैप भी करते हैं, तो तब पर भी UR को 9,000 मिल गई। और मान के चलिए OBC SC को 15,000 मिल गई, या मान लीजिए 9-18 मिल गई, ST कोई है नहीं,
हमारे चाहिए चार गुलाम गिरेगा तो फिर पछताना पड़ेगा पूरी जिंदगी आपको, है ना। अब आपके पड़ोसी आपको रुमाल दे देंगे। इरफान भैया, इरफान अली घंटा, यार यार घंटा बजाए हो कभी? खाली लिखते ही हो घंटा, घंटा इरफान अली जी इसका मतलब जानते हैं, आपका गुणांक कम है, आपका गुणांक कम है तभी आप घंटा बोल रहे हैं। जिसका गुणांक अच्छा होगा वो जरूर सोच रहा होगा, और जिसका गुणांक कम है या जो फेल होगा वो यही सोचेगा। गुणांक पक्का कम है। घंटा तो हम बजाएंगे जिसकी नियुक्ति लेकर तुम्हारे सर पे तांडव कर रहे हैं, घंटा तो हम बजाएंगे। सरकार चूतिया नहीं है तो हमारे पास फोन कर दी है, हमारे पास फोन स्वयं आया हो। अरे यार हम ही इंचार्ज धरने के, इरफान अली फालतू की बातें कर रहे हैं, हमारे पास फोन आया है, अधिकारी बोले विवेक भाई बीच का रास्ता निकाल लीजिए। चार बार चल के आए हैं वो, चार बार चल के हम, हमसे तो विधायक सांसद मिलने चले आते हैं यार विवेक भाई, तुम लोग ऐसी बातें करते हो। इरफान अली को हटाओ यार, कौन इरफान अली है, लाइव है वो। ऐसी बातें करते ना, फालतू की बातें ना किया करो इरफान भाई, खुद तो सिलेक्शन पाओगे नहीं, दूसरों को रोक रहे हो सिलेक्शन से। सरकार चूतिया जो हमको, हमारे पास फोन करते उनके अधिकारी है, सरकार बहुत बुद्धिमान है, मूर्ख आप लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सरकार बुद्धिमान है तभी ऊंची कुर्सी पर पाई है, मूर्ख आप लोग जो तैयारी करने के बाद ही सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बड़ी कड़ी बात बोला हूँ मैं भाई, इसमें कुछ विभीषण नहीं है, आप केवल अपने भाइयों की बात सुनी। हाँ बात कर रहे, सही बात कह रहे, कुछ विभीषण है। 100 में देखिए 100 लोग होते हैं। आशीष कुमार पांडे जी इस समय 172 लोग है, 172 मान लीजिए इस समय लाइव, सुनिए 172 लोग लाइव है, इसमें से 5-6 लोग निगेटिव बात बोलेंगे ही बोलेंगे, 100 लोगों में से 5-10 निगेटिव बात बोलते हैं, 90% लोग सही बोलते हैं। वो चाहे परिवार ले लीजिए चाहे कहीं भी ले लीजिए, हमारे परिवार में अगर 100 लोग हैं तो उसमें 8-10 निगेटिव रहते ही लोग, वो हर परिवार की बात है, तो उसमें बुरा नहीं मानते। लेकिन डीलेट वाले होंगे या नई शिक्षक भर्ती वाले होंगे, ये हो सकता है नई शिक्षक भर्ती वाले इस तरह कमेंट कर रहे हैं हम लोगों पे, तो निराश ना होइए। शिक्षक भर्ती वाले सुन लो भैया, इसको पूरा होने के बाद 22,000 हम लोग सीधा जो है जो भाई बहन आएंगे, जो भी पास है हमारे, पूर्ण समायोजन की बात के लिए हम लोग तैयार हैं, और विवेक भाई उस धरने का संचालन करने के लिए भी तैयार है, पूरा हमारा ग्रुप रेडी है, और पूर्ण समायोजन की बात 22,000 खत्म होने के बाद पूर्ण समायोजन की बात होगी, और कोई भी नई शिक्षक भर्ती तब तक नहीं आएगी जब तक जितने भी सुपरटेट पास है उनका पूर्ण समायोजन नहीं हो जाता। 22,000 जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक हम सरकार को का पीछा छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, जॉब लगेगी, जो आएगा वो पाएगा, ये सच है, आगे आलोक भाई बोलेंगे। और आपके पास भैया अभी समय है, समय का लाभ उठा लीजिए, सिर्फ 2-3